जिला उद्योग केंद्र में श्री आर एल तिवारी जनरल मैनेजर के पद पर हैं और जब से आए हैं वो खुलेआम भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। इवन छोटे छोटे रजिस्ट्रेशन के लिए भी वो 5,000 रुपए खुलेआम मांग रहे हैं। और जहां तक प्लॉट्स का आवंटन है, प्रायोरिटी के हिसाब से प्लॉट्स आवंटन होना चाहिए। किसी ने 2,000 मांगा है, किसी ने 5,000 स्क्वायर फीट मांगा है, वो आवंटन तिवारी जी नहीं कर रहे हैं। और 1,00,000 स्क्वायर फीट एक्सटेंशन के नाम पे प्लॉट्स अलॉट कर रहे हैं और वही प्लॉट्स एक महीने बाद उसी फैक्ट्रीज वालों से तिवारी जी पार्टनरी करके उसको रीसेल में बिकवा रहे हैं। करीब करीब उसने 15 एकड़ में ऐसा काम किया है इंडस्ट्रियल गोविंदपुरा में, आई सेक्टर में। हाँ, और इतने ज्यादा भ्रष्टाचार है, कम से कम 40-50 करोड़ के आज की तारीख में तिवारी जी की खुद की संपत्ति है। यदि शासन निष्पक्ष जांच कराए तो सब चीजें सामने आएगी। सब चीज हमने शिकायत करी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से भी मिले थे, इसके पहले रेड्डी साहब कमिश्नर थे उनसे भी मुलाकात करी थी, रेड्डी साहब ने जांच भी बैठा ली थी। हमारे साथ में उनके डिपार्टमेंट के 2 आदमी हमको अपॉइंट किए, बाकायदा उनने 2 दिन हमारे साथ घूमे, एक एक स्पॉट का उनने परीक्षण किया, उनने एक्सेप्ट किया कि हाँ समथिंग इज रॉन्ग। लेकिन जांच आज तक सबमिट नहीं हुई, हर आदमी को ही मैनेज कर लेते हैं। टोटल करप्शन के अलावा इनका कोई काम नहीं है। उद्योग नीति में यह है कि 3 साल से ज्यादा कोई भी पदस्थ नहीं रह सकता, लेकिन इनको 3 साल से ऊपर हो गए फिर भी वहां पर है और सेकंड टर्म, जबकि उद्योग नीति में एक बार के बाद दोबारा कोई पदस्थ नहीं होता, इनको सेकंड टर्म आवंट आए ये वो 3 साल से अभी भी ऊपर हो गए उसके बावजूद भी, क्योंकि टोटल करप्शन का काम चल रहा है। वो खुलेआम कहते हैं कि मेरा आप क्या बिगाड़ लेंगे, मैं तो ऊपर तक सबको देता हूँ।